हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले कि इंग्लिश बोलने का आसान तरीके क्या क्या है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है और इंग्लिश आज हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे? देखिए पहले जो चीज़ नहीं था उस चीज़ का वैल्यू नहीं था, बट आज इंग्लिश का वैल्यू समझ में आता। तो दोस्तों इंग्लिश हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इंग्लिश को हवा मत सोचिए कि इंग्लिश एक हवा है। इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है, कोई कोर्स नहीं, कुछ नहीं है, लैंग्वेज है, आप सीख सकते हैं। देखिए जो लोग फ्राटेदार इंग्लिश में बातें करते हैं वो लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे करते हैं? वो लोगों के पास भी दो हाथ है, दो पैर है, वो लोग भी ह्यूमन बींग है, वो लोग भी इंसान है, आप भी है। तो जब वो फ्राटेदार इंग्लिश में बातें कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, शर्त बस इतना है कि आपको अपने पोटेंशियल पर भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, लाइफ में हार्डवर्क कीजिए। अगर कोई इंसान हार्डवर्क करता है तो उसे अपने लाइफ में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक लैंग्वेज है, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 6 महीना टाइम देते हैं, डेली 1 घंटा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फ्राटेदार इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको वक्त निकालना होगा। अगर ये नहीं कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, बस आप रोते रहते हैं कि मुझे नहीं आता, मैं लोगों के साथ बातें नहीं कर पाता, मैं फॉरेन जाना चाहता बट मुझे इंग्लिश नहीं आता, अगर आपका प्रॉब्लम इंग्लिश है तो इसको सीखिए। देखिए बात यह है कि कोई अगर आपका मदद करेगा तो कितना करेगा? 1 से 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, बार बार तो नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो आप छोटे छोटे कामों के लेकर के आपको भी प्रॉब्लम होता है, बात समझ रहे? तो सबसे पहली बात तो यह है कि इंग्लिश को हवा मत सोचिए, ये एक लैंग्वेज है, ये एक भाषा है जो कि आप सीख सकते हैं, क्योंकि जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं वो लोग भी ह्यूमन बींग है। देखिए सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि हमें कोई भी चीज़ मुश्किल कब लगता है। देखिए जो चीज़ हमें नहीं आता है, मुझे साइकिल चलाना आता तो मेरे लिए साइकिल चलाना आसान है, आपको बाइक चलाना आता तो आपके लिए बाइक चलाना आसान है, मान लीजिए किसी को तैरना आता उसके लिए तैरना आसान है, बट किसी को तैरना नहीं आता उसके लिए मुश्किल है। लेकिन वो चाहे तो आसान बना सकते, उसे क्या करना होगा, जहाँ पर थोड़ा सा पानी होगा वहाँ पर जाकर उसे सीखना होगा। जब वहाँ पर वो पूरी तरह से एक्सपर्ट बन जाएगा उसके बाद वो कहीं भी तैर सकता। तो वैसे ही आपको बस क्या करना है, डेली लाइफ में जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं हिंदी में, उन वर्ड्स का आपको इंग्लिश आना चाहिए। अगर आपको उन सब का वर्ड पता हो तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आप कम हिंदी का यूज कीजिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी हिंदी में मास्टर है, तो हिंदी का कम से कम यूज कीजिए और इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। कैसे बोलना मैं बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए चम्मच दोना, तो चम्मच दोना तो चम्मच नहीं बोलना, चम्मच को बोलना स्पून दोना, स्पून दोना। तो आपको पता चल गया कि चम्मच को स्पून बोलते हैं, आप दोना का क्या होता है बाद में बताया जाएगा, बात समझ रहे? ठीक है। चेयर दोना, तो चेयर तो ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड है, तो चेयर को चेयर बोल दो। किताब, किताब नहीं बोलना, किताब दोना नहीं बोलना, बुक दोना, तो बुक, बात समझ रहे? तो अगर देना बोलना है तो देना का क्या होता है, गिव, तो प्लीज़ गिव मी द बुक, प्लीज़ गिव मी द पेन, प्लीज़ गिव मी योर फोन, प्लीज़ गिव मी योर हैंकी, प्लीज़ गिव मी योर स्मार्टफोन। तो इस तरह से आप जैसे जैसे वर्ड को याद करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे अपने डेली लाइफ में, तो आपका जो वोकैब है वो इम्प्रूव होगा। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा, पकड़ बनाना होगा। देखिए दोस्तों कोई बच्चा पैदा होते ही दौड़ना शुरू नहीं करता कि पैदा हुआ और पूरा भाग रहा मैराथन, ऐसा कुछ भी नहीं। वो धीरे 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 उसका जो पेरेंट्स है उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं, उसके बाद वो धीरे 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 उसे चलना आ जाता है। तो दोस्तों इंग्लिश बहुत आसान है, आप भी घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास प्लेटफॉर्म है यूट्यूब है, जो कि पहले नहीं था, उसके बाद बहुत सारे ऐप्स है, तो बस आपको उन्हें फॉलो करना है, जो बेस्ट टीचर्स है उनके वीडियोज देखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है, कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, बहुत आसान, बस अपने आप पर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है और आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट। बस आपको 6 महीने टाइम देना होगा, और इंग्लिश में जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ चैट करें, बातें करें, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं कोशिश करें कि मैं इंग्लिश में करूँ, हिंदी कम से कम यूज़ करें। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत होता है आप हमें कमेंट कीजिए, ऑलरेडी हमारे वीडियोस बनाया हुआ है, आप उन्हें वॉच कीजिए, कोई दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग जो भी नया वीडियोज़ बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।